ये कार से एक्सीडेंट हुआ है, लेडीज लोग सब बैठे हुए हैं। ये अभी अभी की बात है गाइस, ये फैमिली है, इनको लगी पूरी। अब ये गाड़ी इस साइड आने के बाद, वो वाली इस साइड आने के बाद फिर वो ऐसी गई। गाइस तो अभी मैं हूँ झांसी पे और ये हमारा रूम है, देख सकते हैं। हम लोगों को 3 दिन हो चुके हैं, आज फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से छतरपुर बागेश्वर धाम जी का दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को भी हम बाई रूट बताते हुए चले गए कि झांसी से आप छतरपुर कैसे जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा पास में है, लगभग 130-135 किलोमीटर के आसपास में है। रोड कैसी है वो भी आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भिलाई की बात करें तो भिलाई से लगभग 600-650 किलोमीटर पड़ जाता है। कभी भिलाई से आता होगा तो वो भी अपन ब्लॉग शूट करेंगे। फिलहाल झांसी से निकलते छतरपुर। हर महादेव, जय श्री सब, जय जगन्नाथ। तो गाइस हम निकल पड़े हैं छतरपुर के लिए। अभी टाइमिंग वही 9:25 हो रहे हैं, मॉर्निंग का समय है। लगभग 1-2 घंटे में अपन आराम से पहुंच भी जाएंगे। और झांसी सिटी का मैं काफी कुछ व्लॉग बनाया हूं, जैसे कि झांसी का किला हो गया, बरुआ सागर किला हो गया, ओरछा। तो भाई काफी सुंदर सा जगह है ओरछा। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा, देखेंगे तो प्लानिंग कर पाएंगे कि हाँ भाई ये जगह घूमने करके। अपन भी ओरछा को थोड़ा सा हल्के ले रहे थे, लेकिन जब गए ना मध्य प्रदेश में आता है। झांसी से बात करूँ तो वही लगभग 15-16 किलोमीटर पड़ जाता है। यहाँ से अपने को राइट लेना है छतरपुर के लिए, और इस साइड से खजुराहो भी पास है भाई, छतरपुर भी पास है झांसी से। तो ये देखो यहाँ पे किले के बारे में यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है एलईडी में। और हम यहीं पे आसपास में खाना खाने के लिए आते थे ना, तो देखते थे एलईडी, देखते कौन सा हाईवे से जाएंगे। शायद तक मुझे लगता है खजुराहो वाला जो हाईवे है ना, वही वाली रूट लेके जाएगी। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चौक से सीधे ही सीधा निकल जाना अपने को, भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन भाई झांसी देख सकते हैं। अभी मॉर्निंग के 9:30 हो रखे हैं और देख रहे क्राउड। आगे में अपने को यहाँ का बस स्टैंड भी देखने को मिलेगा। और यही वाली जो रूट है जो लेके जाते हैं ओरछा के लिए बरुआ सागर, तो यही वाली रूट लेके जाती है सीधा सीधा। और ये बस स्टैंड, झांसी का बस स्टैंड सिटी के आउटर में ले दिया है, और रेलवे स्टेशन तो अंदर में है सिटी के। ये जो रूट है ये सीधा खजुराहो लेके जाती है, खजुराहो इलाहाबाद। भीड़ भाड़ देख रहे हो भाई, काफ़ी जाम लगा हुआ है, भीड़ का सामना करना पड़ रहा है हाईवे के लिए भाई साहब। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बस भी चलती है, ये इलेक्ट्रॉनिक बस सिटी के अंदर चलती है ये, और इसमें भी आप झांसी पर घूम सकते हैं। वैसे देखा जाए तो झांसी में ज़्यादा कुछ है भी नहीं घूमने लायक, जो कुछ है झांसी के बाहर साइड में है। झांसी में बस क्या है, किला है, झांसी का किला हो गया, रानी महल हो गए, मार्केट हो गए, बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो आप अंदर में घूम सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं बाहर साइड में हैं, तो कहीं नहीं मिलना है। देखो इलाहाबाद खजुराहो यहीं चलना है, तो यहीं से चलना है अपने को। ये इलेक्ट्रॉनिक बस है, ये देखो यहाँ पे खजुराहो 167 किलोमीटर, इलाहाबाद 395 किलोमीटर है इलाहाबाद यहाँ से। तो यही वाली रोड लेके जाएगी अपने को छतरपुर के लिए। देख रहे इतना सारे टेम्पो वेम्पो सब खड़े हैं भाई, बागेश्वर धाम जाने के लिए। फर्स्ट टाइम जा रहे भाई बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। हाईवे अभी तक हमने पकड़ा नहीं, आई थिंक मैं सीधे सीधे जाते तो हाईवे अपने को मिलता, बट कोई बात नहीं, ट्रैफिक जाम भी था वहाँ पे। अपन ये अंदर ही अंदर थोड़ा सा चल रहे हैं, और यही वाली रूट है सीधा लेके जाती है ओरछा के लिए। ये रोड देख रहे हैं, जंगल झाड़ी वाला ये रूट है, मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है। यहाँ पे ना थोड़ा सा संभाल के गाड़ी वाड़ी चलाइएगा, देख रहे इस तरह से गाड़ी चलाते हैं भाई सब लोग। हाईवे मिल चुका है, ये देखो खजुराहो झांसी पीछे साइड में रह गया है। ये हाईवे के थ्रू अपन आगे बढ़ेंगे, झांसी पीछे रह गया है। बरुआ सागर जो है आप यहाँ से जा सकते हैं, पहाड़ों को काट काट के पत्थर गिट्टी सब निकाले जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को काफी धूल डस्ट देखने को मिलेंगे। ये धूल डस्ट वाली लोकेशन है खजुराहो, देखो लिखा हुआ है खजुराहो, पढ़ लीजिएगा ओरछा। तो यहाँ से अपने को ना ओरछा जाने के लिए ये वाली रूट है, नीचे से आप जा सकते हैं। बरुआ सागर है वो आगे साइड में है, इसी हाईवे से कनेक्ट है, हाईवे आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से आप जा सकते हैं ओरछा के लिए। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे सब खड़े हैं बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक चलते रहते हैं, किस तरह से बड़े बड़े ट्रक चलते रहते भाई, सब वही गिट्टी उट्टी सब लेके जाते रहते ना, इस वजह से भाई साहब क्या धूल डस्ट उड़ा रहा भाई, खतरनाक भाई खतरनाक। पूरा कंपनी बना दिया भाई इस साइड में ये सब चीज़ का, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे यार,
इतना बेकार लग रहा है ना, पूरा मुंह में आ रहा भी मिट्टी उट्टी। अब मिल गई अपने को मक्खन हाईवे, देखते हैं ये रूट कितना अच्छा बना हुआ है। लिखा हुआ है बरुआ सागर, रानीपुर, खजुराहो, सब लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो बरुआ सागर आगे साइड में है, अच्छा खासा किला है, एक छोटा सा लेक है उसके किनारे में किला बना हुआ है जिसका मैं वीडियो बना रखा है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो ये जगह भी आप घूम सकते हैं। झांसी से मात्र 18-19 किलोमीटर पड़ता है। लिखा हुआ है बरुआ सागर, तो बरुआ सागर जाने के लिए ना ये जो हाईवे है ये आपको छोड़नी पड़ेगी। हम लोग भी गए हुए थे तो इसी रोड से गए हुए थे, तो वो जो सामने आप लोगों को रोड नजर आ रहा होगा ये वाला, जहाँ पे भाई लोग सब फल दुकान लगा रखे हैं, तो ये वाले रोड से आप जा सकते हैं बरुआ सागर के लिए। वहीं पर है जराया मठ मंदिर भी है, वो भी आप देख सकते हैं। चट्टाने देख रहे हो भाई, पत्थर देख रहे हो, अनबैलेंस पत्थर है, मतलब की बैलेंसिंग पत्थर बोल सकते हो आप इसको, बैलेंस करके रखा हुआ भाई पत्थर। सामने में भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखो चट्टाने, खजुराहो सीधा ही सीधा है, मस्त हाईवे बनी हुई। गाइस तो अभी हम लोग एक ढाबे पे रुके हुए हैं, पानी पीने के लिए और नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से छतरपुर, खजुराहो यहाँ से 100 किलोमीटर है, छतरपुर है वो लगभग वही 70-80 किलोमीटर और बचा रह गया है। यहाँ पे अपन करते हैं नाश्ता, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, पानी प्यास भी लगी हुई है, पानी पीने अपने को, फिर अपन चलेंगे। पोहा भाई, पोहा, पोहा दो प्लेट ना। यहाँ पे हमने पोहा खाया, चाय पिया, मज़ा आ गया, और बिस्किट भी खा लिया भाई, काफ़ी कुछ खा के अब निकल रहे हैं। अब शरीर में हमारी आलसीपना आ गई भाई, क्या है कंटिन्यू घूम रहे हैं, कंटिन्यू ना तो शरीर क्या है पूरा थक चुका है हमारा, विश्राम ऐसे कर रहे हैं। कंटिन्यू घूमने से क्या होता है ना, शरीर एकदम सुस्त हो जाता है। हम लोग इस साइड इसलिए आ गए थे ना क्योंकि जिस रोड से हम लोग, तो इसको जाने देते हैं, बताते हैं आपको। अधिकतर जो ढाबे वाबे थे ना सब इसी रूट में थे, इस रूट में मैं वही देखते रहे। रूट में ना इक्का दो झोपड़पट्टी की जैसे स्नैक वगैरह मिल जा रहा है, इस टाइप का ही देखने को मिल रहा था, और इस रूट में ढाबे ही ढाबे। मैं बोला यार इस रूट में इतना ढाबे, इस रूट में एक भी ढाबे नहीं है, तो इसीलिए अपन सब घूम के गए हुए थे। छतरपुर मध्य प्रदेश चेक पोस्ट करके लिखा हुआ है जो बना हुआ है जाने का, और ये आने का टोल गेट बना हुआ है, यहाँ पे लगी बना हुआ है भाई, ट्रक वगैरह के चलान वहीं पे कट रहा। आगे थोड़ा सा और आओगे तो यहाँ पे टोल गेट देखने को मिलेगा भाई, पता नहीं वो क्या चीज का था, वसूल रहे थे वहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियों से। और ये दूसरा टोल गेट है गाइस, इससे पहले भी एक टोल गेट था बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ट्रक आपस में बोल रहे हैं, ये देखो इस तरह से आगे पीछे चलत रहा बाड़ू, ना वो आगे निकल रहा है ना ये आगे उसको जाने दे रहा है, ऐसा ऐसा सिस्टम है भाई साहब। ट्रक ही ट्रक कम देखने को मिले हैं वाले रूट पे, देख रहे हो भाई हैवी हैवी ट्रक चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ लग रहा है, अरे भाई ओ भाई साहब क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ यार, ओ भाई साहब इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, अरे भाई साहब। गाड़ी को वहाँ लगाता हूँ मैं भी, देखता हूँ, देखो गाड़ी को उठा भी रहे हैं, वो ये पटका गया गाड़ी को, इधर लगा के देखते हैं। खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है भाई, खतरनाक, दिखलाते हैं आपको रुक कर। ये देखो कार, ये कार से एक्सीडेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार की कार है ये वाली कार से हुआ है, शुक्र है कि शायद किसी को कुछ हुआ ना हो। और ये लेडीज लोग सब बैठे हुए हैं, ये देखो, ओ भाई साहब ये देखो पूरी गाड़ी ख़त्म है यार, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, धज्जियाँ उड़ चुकी है ये वाली, और एक गाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है। उधर से इधर आ गई क्या पता, कैसे इस साइड से आ गई गाड़ी, ठुका गई ये अभी अभी की बात है गाइस। हम लोग जैसे इस रोड में पहुँचे हैं
और ये हादसा हुआ है। मतलब कि मुश्किल से एक दो मिनट का ही खेल होगा। ये देखो पुलिस वाले भाई साहब भी आ गए यहाँ पे। देखते हैं किनको लगी है। अच्छा ये फैमिली है, इनको लगी पूरी। आंटी को लगी है। अब तो गाड़ी में चले जाओ, जहाँ जहाँ लगा है वहाँ वहाँ जाके। और फोन फोन कहाँ पे लेना है आपको? आप अंकल इनको ड्रेस चले जाओ। अरे भाई साहब यही होता है भाई। पता नहीं एक्सीडेंट कैसे हुआ है भाई। पूरा गाड़ी यहाँ पूरे इस साइड से आई हुई है गाड़ी, देख रहे हो ये जो गाड़ी है या फिर ये वाली गाड़ी है, समझ में नहीं आ रहा किस साइड से ये गाड़ी ऐसे आ कैसे। ये गाड़ी ऐसे पूरा आई हुई है ना, देखना पूरा निशान है चक्के की। और एक गाड़ी ये पड़ी हुई है गाइस, ये देखो इस तरह से दिखाता हूँ आप लोगों को। एक गाड़ी ये है, अब ये गाड़ी इस साइड आने के बाद वो वाली इस साइड आने के बाद फिर वो ऐसी गई, वो वहाँ से खचुड़ती हुई आई। देखो वो वहाँ से उन्होंने खचोरी यहाँ जाके फूटी। फिर वो ये एयरबैग खुल गया, हम खुच गए। अच्छा गाय भैंस की वजह से हुआ है ये हादसा, और जैसे कि भैया बता रहे थे गाय भैंस की वजह से हादसा हुआ है। गाय टकराई कार पे, ये वाली कार पे टकराई है और अनबैलेंस हुआ है तब जाके लगी। आल्टो नहीं है वो, बता रहा है वो भैया बता रहा है कि गाय भैंस की वजह से उसमें टकराई है ना, एम्बुलेंस होके यहाँ फेंकाई है और इसमें टकराई है। हाँ अरे तो टकरा के वो भग गई ना, उसको बचाने के चक्कर में। वो भैया बता रहे ना इनकी कार ये भी तो है, ये वाली कार भी तो डैमेज नहीं देखे क्या ये वाली कार? हाँ तो फिर वो कहाँ से वो अच्छा पीछे थी? नहीं अनबैलेंस हो गया ना बचाने के चक्कर में। अच्छा। तो ये यहीं घुसा दिया अगले ने। अच्छा। तो इनको लग गई, ये आगे टकराई है। हाँ ये टकराई है, ये टकराई है मतलब कि गाय को बचाने के लिए, इसलिए इसमें। ये आपकी है? आपकी है ये? मतलब कि कैसे ऐसे, मतलब कि ऐसा हो गया ये? अरे भैया एक गाड़ी तो बाहर ठक गई जालंग से। अच्छा अब आप सोचो, आप लोग यहाँ से आ रहे थे? वो गाड़ी आ गई थी, हम उसके पीछे थे। अच्छा अचानक से उनके सामने गाय पहले से थी, अचानक से आई भगवान जाने। अच्छा अच्छा गाय आई, उन्होंने एकदम दबा दी, तो पहले पीछे का साथ थोड़ा टच हुआ, वो जो इस साइड से आके फिर ऐसे हो गए। हमारी गाड़ी एयरबैग खुल गई थी तो स्टेरिंग लॉक। अच्छा हमारी गाड़ी इसी साइड थी, जैसे सामने आया तो ऐसी गली हो, पर ऐसे में खचड़ते हुए गाड़ी फिर उस साइड गई। अच्छा उस साइड, दोनों गाड़ी इसी साइड में थी वो यहाँ से गई। अच्छा वो साइड फिर हमारी ऐसी मुड़ के यहाँ। अच्छा वो आल्टो आगे पीछे आल्टो थी नहीं, वो आगे थी वो वाली। अच्छा ये वाली आगे थी, आपकी गाड़ी पीछे थी जी। वो ज्यादा तेज नहीं आती, हम लोगों ने तब चाय पी के गई ढंग वापस आ गई बस। और ढाबा से आपने? हां हम लोगों ने सब चाय पी के निकल लिए। तो कहां जा रहे थे? बागेश्वर। बागेश्वर बेबी बागेश्वर जा रहे थे हम लोग भी, बागेश्वर। हां हम
तो ऐसे सीट पकड़ा जोर की हमने ज्यादा टैक्सी रुक नहीं मैं वैसे ज्यादा सीट नहीं है फिर भी आप देख लो इनके जो ड्राइवर थे साहब के बच्चा हो या ड्राइवर हो उन्हें पुलिस के लिए आ गए और चल जाओ बाबा वो मतलब जान हम को ज्यादा पैसे नहीं वैसे बच्ची भी थी बेचारी छोटी सी अच्छा अच्छा पहले दौड़ के फिर मैंने उसका गेट खोल कर ऊपर का 5-4 मतलब कि गाय की वजह से अनबैलेंस हुआ है तो वाली जो कार है वो संभाल नहीं पाई और उनके जस्ट पीछे में ये वाली कार तो ये जो कार है पूरा ऐसे आते गई मतलब कि रॉन्ग साइड में आ गई इस वजह से बड़ा हादसा हो गया संभाल नहीं पाया और इनको ज़्यादा चोट लगी है तो हम दिखा भी नहीं सकते ज़्यादा कुछ बाकी ये है शुक्र है कि ज़्यादा किसी को चोट नहीं आई है मतलब कि किसी की डेड वगैरह नहीं हुई है सब सही सलामत है भगवान का लाख लाख शुक्र है गाय की वजह से तो इसीलिए बोलते हैं कभी भी हाईवे में चलाते हो तो गाड़ी थोड़ा सा संभाल कर चलाइए कभी भी कुछ भी हो सकता है आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ पे उतना जान जोखिम वाला काम नहीं हुआ यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है नहीं तो भाई इतना बड़ा हादसा कार देख सकते हैं आप लोगों को एक बार कार फिर से दिखला देता हूं मैं कि कार देख रहे होंगे इसकी स्थिति देख रहे हो मतलब देख के लगेगा कि कोई बचा ना हो ये भाई लोग भी आ ही रहे हैं तो इसको देख के ऐसा लगेगा कि कोई बचा ना हो ये देख लो कार पूरी ख़त्म हो गई है कुछ बचा नहीं रहा चक्के वक्के सब बैंड हो गए तो ये वाली कार आगे थी उससे जस्ट पीछे वाली कार वो वहाँ पे खड़ी है तो दोनों इसी रूट से जा रहे थे इसी रूट से बागेश्वर धाम के लिए और जो पीछे वाली कार थी वो चाय नाश्ते के लिए वहाँ ढाबे पे रुके हुए थे और ये वाली जो कार है ये चल रही थी अपने जैसे चलती है लेकिन क्या हुआ कि गाय आने की वजह से ये अनबैलेंस हो गया और पीछे वाली जो कार थी वो भी चल रही थी तो उसी में हुआ है जो कुछ हुआ है पहले गली यहाँ ये गाड़ी ऐसी जाके फिर ऐसी घूमी फिर ये बगल से गली जब ये बीच रोड पे आ गई ना तो हमारे एयरबैग खुल गए थे तो हमारे स्टीयरिंग काम नहीं किया ना ब्रेक काम किए फिर आके यहाँ गली फिर ये सीधा डिवाइडर पे रोल हो गई गाड़ी अच्छा तो ये आप ही की फैमिली ये भी ये अलग है अच्छा तुम्हारी ये वो मेरी भी बच गई अगर वैसा ये आगे थी वो पीछे थी हमने गाय को बचाया तो उसके इसके चक्कर में ये घल गया तो इनकी उन्हीं गाय को वहाँ भी यहाँ पलट गई गाय वाली है वो वाली घली ना इसमें पीछे अरे मालिक ये चल रहा है इनकी मैं गाय के लिए इनने रोकी साइड में लगी वो पूरी पलट गई थी यहाँ डली हर को साइड करा रहे हैं भाई साहब साइड कराना जरूरी है देखो भाई हमारी बाइक है एक मिनट भी ये हटा रहा हूँ चलो कार भी हट गई कम से कम ट्रैफिक जाम ना हो आने जाने वाले लोग निकल सके ये यूपी की गाड़ी है और वो थी मध्य प्रदेश की गाइस तो ये शुक्र है कि मतलब कि किसी को उतना कोई गंभीर चोट नहीं आई है बहुत अच्छी बात है और दोनों के दोनों कार वाले हैं वो बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए छतरपुर का हमारा होटल द रॉयल होटल एंड रेस्टोरेंट यानी कि दोनों कंबाइंड है रेस्टोरेंट भी है होटल भी है गाइस तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं छतरपुर आप लोगों को मैं बाई रूट बतलाते हुए आया कि चांसेस आप यहां तक कैसे पहुंच सकते एक नंबर रूट है बीच में देखा आपने बहुत बड़ा एक हादसा हो गया था दो कार आपस में भिड़ चुके थे और यहाँ पे छतरपुर पे हमने होटल ले लिया है इसका जो कॉस्ट है ये 700 रुपये अपने को पड़ा है देख सकते हैं अच्छा मस्त बढ़िया सा रूम है और भी बहुत सारे यहाँ पे रूम है तो हमने यही पे स्टे कर लिया क्योंकि अपने को अभी जाने हैं बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए हालांकि वो अलग से व्लॉग शूट करूँगा मैं यहाँ से वहाँ तक का आई होप कि वीडियो को पसंद है तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग पे।